few moments later. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमने डिसाइड किया एक मुंबई के जोहो बीच, जो कि काफ़ी अच्छा लोकेशन वहाँ का और काफ़ी अच्छा जगह है घूमने के लिए। तो दोस्तों आज का मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे भाई के नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ऐसे ही नए नए ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, चलते और दिखाते मैं आप लोगों को। गाइस मेरे बाहर कुछ सब्सक्राइबर मिल गए हैं, तो ये सारे सब्सक्राइबर है हमारे। तो हमारी ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को? गाइस शाम के भी 4 बज रहे हैं, हम लोगों का तो रूम है सामने है, इसके अंदर से भी हम लोग आए हैं। तो अभी काफी प्यारा व्यू है, अभी शाम के 4 बज रहे हैं जैसा कि देख सकते हैं आप। गाइस हमारी आ चुकी है कार, तो अभी कार के अंदर हम बैठ शौक पूरे करो, जिंदगी तो एक दिन खुद पूरी हो जाए। गाइस अभी मैं कार के अंदर बैठ चुके हैं, तो सबसे पहले हमने तो सीट बेल्ट लगाए, तो और हमारे साथ हमारे भाई जा रहे हैं आज जोहो बीच, जो कि काफी मजा आने वाला है गाइस। तो इस ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। तो हमारे साथ में हमारे चार लोग हम लोग जा रहे हैं, टोटल 4 लोग हम लोग जा रहे हैं, तो काफी मजा आने वाले है। हमारे भाई अंजर भी है पीछे, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। नहीं बराबर नहीं दिख रहा है भाई। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जोहो बीच, तो गाइस तो यहां पे देख सकते हैं व्यू। तो अभी इसी कार से हम आए हैं, तो यहां पे काफ़ी क्राउड है जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप। तो अभी पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहां का, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो बने रहिए इस ब्लॉग में आप लोग। गाइस ये है जुहू बीच का एंट्री गेट, इसी गेट से हमने अभी आए हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा जुहू बीच है, उसको जुहू बीच कहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है दोस्तों, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में दोस्तों। तो बने रहिए आप लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको जुहू चौपाटी भी कहते हैं और जुहू बीच भी कहते हैं दोस्तों। तो काफ़ी मज़े कर रहे, पब्लिक काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ आप नहा भी सकते हैं इस पानी के अंदर, आप फुल एंजॉय कर सकते हैं आप दोस्तों। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। गाइस अभी हम जा रहे हैं बोट राइड करने के लिए, तो हमारे साथ में हमारे भाई सलमान भी है और हमारे बड़े भाई भी है, तो काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों इस ब्लॉग में। तो बने रहिए, मैं अभी दिखाता हूँ सारा चीज़ मैं आप लोगों को। तो अभी मैं हूँ जुहू बीच में, काफ़ी इंजॉय करवाऊंगा और काफ़ी इंजॉय मैं करूँगा अभी इस ब्लॉग में। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। मजा आया, क्या सीन है
वह क्या सीन है? गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्पीड बोट पे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा स्पीड बोट। तो अभी हम उस पर चढ़ रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप, काफी मजा आ रहा है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, पे लेने वाले मजे लेने वाले हमारे साथ भाई लोग बैठे हुए साथ में, और हम जाने वाले हैं समुन्दर के अंदर काफी मजा आएगा। तो भाई हमारे अंजर भाई भी आ चुके हैं दोस्तों, तो काफी मजा आने वाला दोस्तों। तो देखते हैं इसमें कैसा, और जो बीच का तो नज़ारा काफी अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत बीच है ये, यहाँ काफी इंजॉय कर सकते हैं आप। तो गोवा जैसा फीलिंग आपको यहाँ आएगा, गोवा जैसा मजा आएगा आपको यहाँ पे। गोवा से भी अच्छा मजा आता भाई, यकीन मानो गोवा से भी ज्यादा मजा आता। तो भाई आप कुछ बोलना चाहोगे ब्लॉग के अंदर? भाई बर्थडे की पब्लिक 2 से 2.5 लाख पब्लिक आती है डेली जू चौपाटी पर। क्या बात है गाइस, अभी मजा आ जाएगा हम लोगों को इस पे, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। एक बार जरूर ट्राई कीजिए यहाँ पे, जरूर एक बार आप लोग आइए एक बार जुहू चौपाटी पे। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर का नजारा, क्या ही पब्लिक है, बहुत ही ज्यादा पब्लिक है, बहुत ही ज्यादा क्राउड है गाइस, बहुत ही मजा आया, मजा आ गया हम लोगों को गाइस, बहुत मजा आया। लेकिन मोबाइल भी क्या वो अलग, मोबाइल हम लोगों का भिग चुका है अंदर का नीला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लोग हमारे जा रहे हैं अभी नहाने के लिए पानी में, चलो भाई जा जा जाओ। ओ जैसा कि देख सकते हैं भाई का बैग हम ले रखे हैं, बैग में सारा कपड़ा डाल रखे हैं भाई का। भाई लोग अभी नहाने के लिए गए हैं पानी में, समुंदर में, जुहू बीच में, जैसा कि देख सकते हैं गाइस। क्या ही बताऊं मैं, इतना बैग ले रखा हूँ सामान यार, क्या बोलूं यार। तो हमारे भाई लोग वहाँ नहा रहे हैं, भाई लोग नहा रहे हैं भाई, देखो। ओहो पब्लिक देखो कितना है, और मैं पानी में हूँ इस समय भी, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों पानी में काफ़ी मज़ा आने वाला गाइस। तो भींग चुका हूँ मैं, पूरा भींग चुका हूँ दोस्तों। ओहो पब्लिक सब देखो कितना पब्लिक है, बहुत ज़्यादा क्राउड है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। पब्लिक खूब मज़ा कर रहे हैं पानी में, एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, क्या बोले गाइस, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। जैसा देख सकते हैं आप, काफ़ी मज़ा आने वाला। ओहो दे रहा है यहाँ का व्यू और यहाँ का नज़ारा, काफ़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ का। देखिए कितना पब्लिक है, कम से कम लाखों की तादाद में पब्लिक होंगे, कम से कम लाख से कम नहीं होंगे पब्लिक गाइस। ओहो
तुम्हारा भाई यहाँ आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मज़ा आने वाला है अभी हम लोग, क्या ही बताओ गाइस आप लोगों को, फुल मज़ा आने वाला हम लोगों को अभी। अभी आ चुके भाई, कैसा लगा आप लोगों को, कैसा लगा उस पर राइडिंग करके? एक नंबर। कितना चार्ज लगा भाई आप लोगों को, कितना पैसा लिया भाई ने? 3 दिन से भूखा हो, 3 दिन से भूखे हो भाई, आज मजा आ गया ना आप लोगों को भाई, मजा 7,000 रुपए खर्चा हुआ भाई ने बता रहे, 7,000 खर्चा हुआ भाई, काफी मजा आया भाई को। भाई बोट राइडिंग करके कैसा लगा आपको? बोट राइडिंग तो ऐसा लगा कि मजा आ गया बिल्कुल, और इतना मजा आया कि बता नहीं सकता हूँ अल्फाजों से। हाँ, और नहा दोगे तो हम ऐसे हो गए, ऐसा लग रहा है कि गठन में भी हम नहा के आए। ठीक है, अच्छा। अभी हूँ जुहू बीच में, तो बोट राइडिंग हम कर चुके हैं, जो कि बोट राइडिंग का जो चार्ज था, एक का 800 रुपये था और एक का 200 रुपये था, तो हम लोग चारों भाई ने किए हैं, तो काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। तो आप अगर मुंबई आते हो तो जुहू बीच एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, यहाँ पे बोट राइडिंग बहुत ही मस्त होता है और अपना पब्लिक काफ़ी ज़्यादा रहता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम लोगों को कुछ भूख लग चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। और ऐसे जुहू बीच में खाने पीने का एरिया है, जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारे होटल है, देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और इसके अंदर हम जा रहे हैं अभी खाने के लिए, ये 3-स्टार होटल है जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं, और इसके बाहर ये लगे हुए हैं सस्ते खाना खाने के लिए होटल सब है, जैसा कि देख सकते हैं अभी रात के 8 बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे और पब्लिक काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं जुहू बीच में। तो जुहू बीच बहुत ही बड़ा है गाइस, जैसा कि आप क्या ही बताओ मैं आप लोगों को। हमारी आ चुकी है कार, तो आर्टिका आ चुकी है, तो हमने ओला से बुक किए थे, तो अभी आ चुकी है, तो इसमें हम अभी बैठते हैं और चलते हैं भी घर की तरफ। आ चुके हैं जाकिर सिख पराठा, जो कि काफी फेमस है यहाँ का, देख सकते हैं आप। अभी अंदर चलते हैं हम खाने के लिए। गाइस हमारे खाना आ चुके हैं, जैसा कि सिख पराठा हमने ऑर्डर किया था, आ चुका है हमारा। तो भाई अब बताएं कुछ। अब मुंह चल रहा है, खा लेते फिर बताते हैं जायका कैसा है। तो ये रहा मेरा प्लेट, तो अभी हम खाते हैं और भी खाते हैं आप लोगों को। गाइस क्या ही बताऊं, काफ़ी स्वाद है यहाँ के सिख में, जो कि हमने नवाब सिख में भी खाए थे इससे पहले, हमने ट्राई किए तो वहाँ का सिख उससे भी अच्छा है यहाँ पे। अगर आप कुर्ला में रहते कहीं भी रहते एक बार जरूर ट्राई कीजिए, एक बार सिख पराठा जो भी यहाँ का जरूर ट्राई कीजिए आप लोग, काफ़ी अच्छा है। गाइस खाना वाना खा के हम रेडी हो चुके हैं, तो इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर फीडबैक देना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।